नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेएनपी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मिशा सिंह। राजधानी दिल्ली के शास्त्री नगर में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन किया। बीजेपी ने सिविक सेंटर में हुए हंगामे को लेकर आम पार्षदों पर मारपीट का आरोप लगाया। दिल्ली के पूर्व महापौर जयप्रकाश का कहना है कि आम आदमी पार्टी दंगाई और अराजकता वाली पार्टी है। उन्होंने कहा कि जनता के सामने हम आम आदमी पार्टी और उनके नेताओं की पोल खोलेंगे। बता दें, बीते 6 जनवरी को सिविक सेंटर में मेयर का चुनाव होना था, उससे पहले ही बीजेपी और आप कार्यकर्ताओं में जमकर हंगामा हो गया और इस दौरान दोनों पक्षों के बीच मारपीट भी हुई। सड़क छाप लोग हाउस में चले गए और उनका यही मकसद था कि निगम के अंदर लोगों की शपथ ना हो और वो अपने अराजकता फैलाने के अंदर कामयाब हो गए। अब इस बात को जनता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी है। हम जनता को, लोगों को बता रहे हैं, देखिए नगर निगम एकीकृत नगर निगम में किस प्रकार से उन्होंने दंगा किया, किस प्रकार से उन्होंने महिला पार्षदों के साथ दुर्व्यवहार किया, कैसे उनके कपड़े फाड़े, कैसे कुर्सियाँ तोड़ी, उनके तीन तीन वरिष्ठ विधायक वहाँ पे लोगों को प्रवोक कर रहे थे, आतिशी मल्लना कह रही थी चप्पल मारो, दुर्गेश पाठक कुर्सी उठा के फेंक रहे थे, जरनैल सिंह जी पीठासीन अधिकारी कुर्सी पे जाके बैठ गए। तो ये बात जनता तक कौन पहुँचाएगा? ये बात हम जनता तक पहुँचाएंगे। ये दिल्ली का दुर्भाग्य है, दिल्ली की जनता ने जिन लोगों को चुनकर निगम में भेजा था, दिल्ली की जनता से बहुत बड़ी गलती हुई। उन्होंने बहुत ऐसे गुंडे निगम में भेज दिए जो वहाँ जाकर जो लगातार निगम की जो इतिहास है उसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि इस तरह से कुर्सियां फेंक कर निगम के लोग आपस में लड़ रहे हैं। और उन्होंने लगातार पीठासीन अधिकारी के साथ वहाँ हाथापाई करने का प्रयास किया, लगातार कुर्सी पे चढ़कर उनके विधायकों ने पीठासीन अधिकारी से रजिस्टर लेकर फाड़ने का प्रयास किया। ये सब जनता जान चुकी।